नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर जाने से जब से शंकराचार्यों ने मना किया है तब से मोदी भक्त उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं, उनको मोदी विरोधी बता रहे हैं, यहाँ तक कि राम विरोधी भी बता रहे हैं। शायद अंधभक्त ये भूल गए हैं कि शंकराचार्य सनातन धर्म में सर्वोच्च पद होता है, लेकिन इन लोगों को मोदी जी के आगे कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अब बीजेपी के एक नेता ने इन अंधभक्तों को लताड़ लगाई है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार और मोदी साहब पर जमकर निशाना साधते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इन अंधभक्तों को लताड़ते हुए और मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा, यह आश्चर्य की बात है कि भाजपा के अंधभक्त और गोबर भक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा में जाने से बचने के सामूहिक निर्णय के लिए चार शंकराचार्यों को खुले तौर पर और बेरहमी से गाली दे रहे हैं। यदि मोदी इन अभद्र व्यवहार के पीछे नहीं है तो उन्हें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बात तो बिल्कुल सही कही है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का इन अंधभक्तों से कोई लेना देना नहीं है जो इन चार शंकराचार्यों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं तो वो इनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अंधभक्त ही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल जब शंकराचार्यों पर कई आरोप लगाए गए तो फिर इन्हें सामने आकर खुद ही बोलना पड़ा कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है जो कि बहुत गलत है। लेकिन इन शंकराचार्यों की बात कोई नहीं सुन रहा है। मोदी जी का ध्यान बस एक ही चीज की ओर है और वो है बस राम मंदिर के जरिए लोगों का वोट हासिल करना। दोस्तों अब आपको सुब्रमण्यम स्वामी का एक और ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट में भी स्वामी ने मोदी जी की चिंता बढ़ा दी है। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है, यदि वाराणसी द्वारा चुने गए सांसद और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें प्रचार से डरने की जरूरत है। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा राज खोल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले में देरी करने की कोशिश की थी। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जो कि खुद एक बीजेपी के नेता हैं, लेकिन एक ऐसे बीजेपी नेता हैं जो अपनी सरकार की गलत बातों को गलत और सही बातों को सही कहते हैं। तो दोस्तों आप बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के शंकराचार्यों को गलत बोलने वालों को लताड़ने पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।